वेलकम। उम्मीद आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज आप सब लोग का फिर से मेरे चैनल पर खुश आमदी। आज की हमारी वीडियो कोई रेसिपी की नहीं है, बस ये कि बेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स की सी है। ये बहुत बेसिक सा और बहुत ज़रूरी सा बेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप लोग बिगनर्स हैं और आप लोग को बेकिंग का शौक़ है, तो बेकिंग का बिज़नेस शुरू करने से पहले तो सबसे पहले आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट इसलिए होगी क्योंकि कप से मेजर करने में और ग्राम से मेजर करने में बहुत फ़र्क होता है। मैं शुरू जब मैंने बेकिंग स्टार्ट करी थी तो मैं भी कप के मेजरमेंट से करी थी, लेकिन जब से मैंने इस मशीन के थ्रू मैंने बेकिंग ग्राम्स में स्टार्ट करी है, तो मेरा जो एंड रिज़ल्ट है जो केक का, मेरे केक की जो मेजरमेंट है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार होती है। तो चले अब इस मशीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये मशीन मैंने जो है बेक हाउस से परचेज़ करी थी। ये बेक हाउस से मैंने तकरीबन 750 की परचेज़ करी थी। ये आपको दराज से भी अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन दराज से मैंने इसके रेट चेक करे थे, वो 800 और 850, 839, 881 इस तरह के से कुछ थे। तो ये मैंने करी थी बेक हाउस से परचेज। अच्छा, ये बैटरी ऑपरेटेड है, यहाँ पीछे इसके जो है सेल लगते हैं। इस मशीन को इस्तेमाल करने के लिए जब मैंने शुरू यूज़ करना शुरू करा था, तो इसको यूज़ करने से पहले मुझे थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती थी। जैसे कि मैंने इसको ये ऑन करा, ऑन करने के बाद मैंने यहाँ पे इसके ऊपर बॉल रखा, अब यहाँ पे आ गया बॉल का वज़न। अब मुझे इसके अंदर जो है, अगर मुझे 250 ग्राम मैदा ऐड करना होगा तो मैं मैदा ऐड करूँगी, तो ये आ गया इसके अंदर मैदे का भी। मैं यहाँ पे आटा यूज़ कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों को ये दिखाने के लिए। अब ये बॉल का और ये आटे का दोनों का वेट इसके अंदर आ गया। अब मुझे समझ में नहीं आती थी कि मैं ये बॉल का वेट कैसे हटाऊं कि मेरे पास सिर्फ फ्लावर का वेट रह जाए। तो बहुत समझने के बाद, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस के बाद, ये इस तरह से मैं इसका कुछ इस तरह से तरीक़ेकार होता है। इसको पहले मैंने यहाँ पर ऑफ़ करा। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर इसके होते हैं तीन बटन्स। ये होता है ऑन का, ये आपका मोड चेंज कर देगा, ये आपको यहाँ पे पॉन्ड्स में बताएगा, और ये क्या आपका, ये मैं इसको भी बताती हूँ, ये बड़े काम की चीज़ है। इसको दोबारा से हमने ऑफ़ करा, ये ऑन करा। इसका हमने पहले मोड चेंज कर दिया, ये मोड चेंज हो गया। अब हमारे पास आएगी ग्राम में मेजरमेंट। अब हमने दोबारा से अपना बॉल रखा, ये आया ग्राम में 233 ग्राम। अब इस बोल का वज़न, मैं ये टेर दबाऊंगी तो ये बोल का वज़न जो है यहाँ से डिडक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं दोबारा जब फ्लावर शामिल करूँगी तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फ्लावर का वज़न आएगा जो है 129 ग्राम्स का। ठीक है, अब मुझे इसी के अंदर, अब अमूमन हम क्या करते हैं, हमको दूसरी चीज़ मेजर करनी होती है, हम तो दूसरा बोल लेते। इस तरह से हमारे बहुत सारे बॉल्स निकल आते, तो अगर मुझे इसके अंदर ही चीनी ऐड करनी है तो मैं दोबारा से टेयर का बटन दबाऊंगी। अब ये फ्लावर का वेट हट गया, अब यहाँ पे आ जाएगा आपकी सिर्फ शुगर का वेट। शुगर थी हमारी 88 ग्राम्स। इस तरह से फ्लावर का, आपको फ्लावर का मेजरमेंट भी अलग मिल गया, शुगर का मेजरमेंट भी अलग मिल गया। लेकिन इसको करने में बस एक प्रॉब्लम है कि अगर गलती से आपकी चीज़ ज़्यादा डल जाए और वो आपस में मिक्स हुई भी हो और आपको शुगर का वेट कम करना हो, अभी तो मैंने यहाँ ऊपर से उठा ली तो इस तरह से मेरे पास शुगर का वेट कम हो गया। लेकिन अगर चाहे आप इसको ऐसे डालेंगे और अगर आपको शुगर के वेट आपका ज़्यादा हो गया, तो आपको ऐसे उठाने में आपका फ्लावर मिक्सचर भी आ जाएगा और आपका शुगर मिक्सचर भी आ जाएगा। तो मैं अभी भी इसको अलग अलग चीज़ों में प्रेफर करती हूँ मेजर करना। तो इस तरह से आप एक ही बॉल के अंदर अपनी सारी मेजरमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे अब शुगर का वेट भी काट दिया। अब जो जो चीज़ें आपको ऐड करनी है आप ऐड कीजिएगा, फिर टेयर का बटन दबाइएगा। इस तरह से आपके पास हर चीज़ की इंडिविजुअल मेजरमेंट आ जाएगी। अब हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं। अब ये टोटल वेट जो हमारा था 450 ग्राम्स था। अच्छा, शुरू में ही यार ये क्यों आ जाता है ये माइनस में, तो ये हटाने से जो आपका टोटल वेट बना है ना ग्राम्स का, वो यहाँ पर ऐड होता है। बॉल का और ये आपके फ्लावर का और आपके ये शुगर का, ये टोटल मिला के ये वेट यहाँ पे आ जाता है। इसको हम दोबारा से ऑफ कर देंगे। एज अ बिगिनर ये मशीन तो बिल्कुल अच्छी है, लेकिन इस मशीन से भी बहुत अच्छी मशीन्स आती हैं, लेकिन वो आप लोग तब परचेज़ कीजिएगा जब आपका बेकिंग का बिज़नेस जो है स्टेबल हो जाए।
अच्छा, इस मशीन को यूज़ करते हुए आपको एक और चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जब आप इस मशीन को यूज़ कर रहे हैं, आपकी जो सरफेस है, आपका जो काउंटर है जिसके ऊपर आपने ये मशीन रखी है, वो बिल्कुल लेवल्ड हो, कहीं से भी आ रही तिरछी या टेढ़ी ना हो, जिसकी वजह से आपकी वेइंग मशीन जो है देखे हल्की सी टिल्टेड भी ना हो। अब ये मैंने इसको ऑन किया रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ऊपर मैंने ये बोल रखा, बोल का वेट आया, बोल का वेट मैंने टार करा, ये बोल का वेट जो है डिडक्ट हो गया। अब बोल का वेट डिडक्ट हो गया, अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे शुगर ऐड करी, ये मेरे पास आ गई 90 ग्राम की शुगर। अगर मेरी सरफेस यहाँ से थोड़ी सी टिल्टेड होती है, जैसे मैंने देखा यहाँ से उठाया और यहाँ पे अपनी फिंगर रखी, तो देखें वेट में भी फ़र्क आएगा। ये नीचे रखा, यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा उठा दिया, ये देखिए ये 89 हो गया, मेजरमेंट में फ़र्क हो गया। अब यहाँ से भी मैं इसको थोड़ा सा उठा देती हूँ, ये देखें 88 हो गया। तो अगर आपकी सरफेस सीधी नहीं है और बैलेंस नहीं है, तो आपके मेजरमेंट में फ़र्क आएगा। अगर आपका सर्विस लेवल बिल्कुल लेवल्ड है, तो आपकी मेजरमेंट बिल्कुल सही आएगी। ये देखिए दोबारा से, देखिए सरफेस लेवल होने पे हमारी मेजरमेंट जो है बिल्कुल ठीक आई। ज़रा सी भी इम्बैलेंस होगी, ज़रा सी भी टेढ़ी होगी, तो हमारी मेजरमेंट में फ़र्क आ सकता है। मैं उम्मीद करूँगी आपको ये मेरी छोटी सी मशीन की जो इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो है, थोड़ी बहुत भी काम की लगी होगी। जिन जिन को इसको यूज़ करने में शुरू शुरू थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुई होगी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। तो उम्मीद करूँगी इंशाल्लाह आपको मेरी ये आज की छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने में प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए आपसे बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।